हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रिंस कुमार शाह। आप देख रहे हैं कॉलेज सब कुछ। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको मिडनापुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के हॉस्टल फ़ी, फूड, कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक, लेक्चर थिएटर, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, वेदर, लोकेशन, ऑडिटोरियम, हॉस्पिटल, ये सब के बारे में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, जो ये कॉलेज है, ये सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ एक हॉस्पिटल हुआ करता था जिसका नाम था सरदार हॉस्पिटल, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने इसे कॉलेज में बदला इन द ईयर 2004। तो आप बोल सकते हो कि इस कॉलेज का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 2004 में हुआ था। और ये देख सकते हो गाइज आप, ये जो है ये एकेडमिक बिल्डिंग है, यहीं पे लेक्चर थिएटर है और बाकी का जो प्रैक्टिकल रूम और जो डिपार्टमेंट है, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, ये सब जो डिपार्टमेंट है वो भी इस बिल्डिंग में, एकेडमिक बिल्डिंग है ये। और गाइज़ ये मैप मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एरियल व्यू, एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कॉलेज का। ये गाइज़ आप, ये कॉलेज का जो कैंपस है यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये यहाँ पे जो दिख रहा है गाइज, यहाँ पे देख सकते हो न्यू बॉयज़ हॉस्टल मिदनापुर यहाँ पे। और ये गाइज नीचे में यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे है ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल। जो न्यू बॉयज़ हॉस्टल है गाइज वो फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर के लिए है, और जो ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल है वो इंटर्न और पीजीटी और हाउस स्टाफ के लिए है। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो, ये तो बॉयज़ हॉस्टल हो गया, और यह यहाँ पे है गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ देख सकते हो गर्ल्स हॉस्टल, और यहाँ पे जो देख सकते हो यहाँ पे एच लिखा है गाइज, यहाँ पे हॉस्पिटल है। और यहाँ पे देख सकते हो गाइज, यहाँ पे जो है वो है एकेडमिक बिल्डिंग। और यहाँ पे जो गाइज ये एक हॉस्पिटल है मातृ माँ, जहाँ पे मदर एंड चाइल्ड के लिए हॉस्पिटल बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा। और यहाँ पे गाइज नर्सिंग का कॉलेज है इस जगह पे। तो ओवरव्यू मैं दे दिया गाइज। अब फ़ी के बारे में बात करते हैं गाइज, अगेन फ़ी इज़ नॉट हाई बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज इन वेस्ट बंगाल। सो इट इज़ अराउंड 12,000 ईयरली, मैक्स टू मैक्स 13,000 ईयरली। लोकेशन के बारे में बात करते हैं गाइज, तो ये जो है ये मिदनापुर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है ना, और तो इसीलिए रेलवे स्टेशन काफ़ी पास है, जो कि एक अच्छा बात है। और जो इसका जो डिस्ट्रिक्ट है गाइज़, वो मिदनापुर, वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में है ये कॉलेज। अब वेदर पे आ जाते हैं गाइज़, वेदर पे एक्सट्रीम टाइप ऑफ वेदर देखने को मिलता है, क्वाइट हॉट इन समर एंड क्वाइट कोल्ड इन विंटर, ठीक है। और ये देख सकते हो गाइज, ये जो है एक बॉयज़ हॉस्टल के छत का जो रूफ है उसका व्यू है। और यहाँ पे कैंपस पे आ जाते हैं गाइज, तो हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल है उसके पास गाइज ये एक छोटा सा पॉन्ड बोल सकते हो आप यहाँ पे, और छोटा सा है यहाँ पे, अच्छा लगता है काफ़ी, जो कि खूबसूरती बढ़ाता है हॉस्पिटल का। ये पूरा ओवरऑल फोटो देख सकते हो एकेडमिक बिल्डिंग का। और ये देख सकते हो गाइज, ये है लैब, ये मे बी पैथोलॉजी या फिजियोलॉजी लैब, या फिर बायोकेमिस्ट्री लैब, ये सब कुछ हो जा सकता है तीन में से। ये देख सकते हो एक और लैब, और तो कंडीशन तो ठीक है गाइज, लैब का कंडीशन अच्छा है। ये देख सकते हो गाइज, ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये नर्सिंग का कॉलेज है, ठीक है। ये लेक्चर थिएटर है गाइस, ठीक है। टोटल 4 लेक्चर थिएटर है गाइस, 3 जो है वो एकेडमिक बिल्डिंग में जो मैंने दिखाया था, और एक जो है हॉस्पिटल बिल्डिंग में। और जो लेक्चर थिएटर का जो कैपेसिटी है गाइस, वो अराउंड 150 to 200 है पर लेक्चर थिएटर। सभी लेक्चर थिएटर में एसी है गाइस, और प्रोजेक्टर ये सब है। और सभी लेक्चर थिएटर में गाइस स्लोपिंग रोज है। और प्ले ग्राउंड पर आ जाते हैं गाइस, तो प्ले ग्राउंड तो वैसा कुछ नहीं है सेपरेट। ये जो बॉयज़ हॉस्टल है ये देख सकते हो, ये स्क्वायर शेप का बॉयज़ हॉस्टल है ये जो है। तो यहाँ पे जो बीच में गाइज वो जो जगह है, खाली जगह, यहाँ पे ही बस आप क्रिकेट या फुटबॉल जो भी खेल सकते हो छोटा सा जगह में, और यहाँ बैडमिंटन भी खेल सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो गाइज ये। और ये देख सकते हो गाइज, ये जो है हॉस्टल है चारों तरफ से, यहाँ से स्क्वायर शेप में बॉयज़ हॉस्टल, और बीच में खेलने का जगह है। टोटल स्ट्रेंथ गाइज वो 2019 के हिसाब से 200 था, वो बढ़ भी सकता है। अब हॉस्टल पर आ जाते हैं गाइज, पहले बॉयज़ हॉस्टल का बात करते हैं। तो टोटल एक बॉयज़ हॉस्टल है गाइज यूजी, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, और एक बॉयज़ हॉस्टल है इंटर्नशिप, हाउस स्टाफ और पीजीटी के लिए। और ये बाहर का व्यू है गाइज, बॉयज़ हॉस्टल का बाहर का व्यू है। यूजी बॉयज़ हॉस्टल को गाइज न्यू बॉयज़ हॉस्टल भी बोलते हैं, या स्टूडेंट्स हॉस्टल भी बोलते हैं। ये देख सकते हो गाइज, ये भी एक पिक्चर देख सकते हो यहाँ पे। और ये गाइज ये कॉरिडोर का पिक्चर मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे आपको। रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है गाइज, उसमें एक रूम में टोटल 4 बेड, सिंगल बेड आ सकता है, और एक या दो टेबल एंड चेयर आ सकते हैं गाइस। तो रूम काफ़ी बड़ा नहीं है। और नंबर ऑफ पर्सन पर रूम का बात करते हैं गाइस, तो फर्स्ट ईयर में आपको 4 करके रहना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में 3, थर्ड ईयर में 2, फाइनल ईयर में 2। और रेंट का बात कर लेते हैं गाइस, तो 12 रुपीज़ मंथली है, जो कि अगेन बाकी सब गवर्नमेंट कॉलेज की तरह। और इलेक्ट्रिसिटी गाइस फ्री, और जैसे मैंने बताया था गाइस कि आपको एक बेड, एक चेयर और एक टेबल मिल जाएगा, लेकिन सबके लिए नहीं मिलेगा, एक रूम पे एक या दो सेट अवेलेबल होगा। और गर्ल्स का, ये गर्ल्स का हॉस्टल देख सकते हो गाइज आप, और बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है गर्ल्स का वो भी बॉयज़ का तरह सेम है गाइज।
और जैसे मैंने बताया था गाइस, ये है ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल। यहाँ पे ये इंटर्न पीजीटी और हाउस स्टाफ के लिए है। ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो देख सकते हो, यहाँ पे कैंटीन बोल सकते हो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हो बैठ के। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा है। ये देख सकते हो गाइस, ये है ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल। लाइब्रेरी का बात कर लेते हैं गाइस, तो लाइब्रेरी का जो टाइमिंग है वो है 10 AM to 4 PM। तो टाइमिंग थोड़ा सा कम है गाइस, थोड़ा और ज़्यादा होने से ठीक रहता। और ऑडिटोरियम का बात करते हैं गाइस, तो ऑडिटोरियम तो एक खास कुछ बड़ा ऑडिटोरियम है नहीं, लेकिन एक ऑडिटोरियम छोटा सा है जिसमें कि 250 to 300 सीट कैपेसिटी है। और कंडीशन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांड न्यू नहीं है। और फूड की बात कर लेते हैं गाइस, तो टोटल 4 वैरायटी का फूड देखने को मिल सकता है गाइस। और ये जो प्राइस है, ये 2019 के डेटा का हिसाब से ये बढ़ भी सकता है। और सब्जी और राइस का जो प्राइस है गाइस, वो 30 रुपीज़, और एग प्लस राइस 38, और फिश प्लस राइस 42, और चिकन प्लस राइस 50। और फैकल्टी का बात करते हैं गाइस, तो अगेन ये वेस्ट बंगाल में है, तो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ पे कुछ प्रोफेसर बंगाली बोलेंगे। अगर आप नॉन बंगाली हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इनिशियली, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो आप कस्टम हो जाओगे। और सीनियर का बात कर लेते हैं गाइस, तो सीनियर्स जो है वो अच्छा है, काफ़ी अच्छा से बात करते हैं, काफ़ी अच्छा है। और जो आपको एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प करेंगे वहाँ पे एग्ज़ाम में, और जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो सब बताएंगे, तो काफ़ी हेल्पफुल सीनियर्स है। और हॉस्पिटल गाइस, ये देख सकते हो, यही है मिदनापुर मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है, यही है। और जो बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, लेकिन गाइस फिर भी काफ़ी क्राउड है, तो आपको अगेन अच्छा एक्सपीरियंस, आपको अच्छा एक्सपोज़र मिलेगा पेशेंट का आपके इंटर्नशिप में। और बाकी जो MRI, CT स्कैन, USG, बाकी सब कुछ है गाइस हॉस्पिटल में। और PG का प्रिपरेशन के लिए गाइस सैटेलाइट कोर्स है अवेलेबल है डैम्स का, या फिर आप ऑनलाइन जा सकते हो। ऑनलाइन तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, बस नेटवर्क ठीक होना चाहिए। और नियर बाई प्लेसेस के लिए गाइस कुछ ज़्यादा है नहीं, कुछ रेस्टोरेंट्स और मॉल्स है, और एक आवर के अवे में गाइस दीघा है, तो आप दीघा में भी थोड़ा हैंग आउट के लिए जा सकते हो एग्ज़ाम के बाद। तो ठीक है गाइस, कॉलेज कुछ बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मैं एवरेज बोलूँगा कॉलेज को। बस गाइस जो रूम है काफ़ी बड़ा नहीं है, और प्लेग्राउंड कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे। और जो बाथरूम वाथरूम है उसका भी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इस सब जगह पे लैक कर रहा है ये कॉलेज। लेक्चर थिएटर है वो सब जो है वो छोटा छोटा है गाइस, थोड़ा बड़ा बड़ा होने से काफ़ी अच्छा होता, तो उस हिसाब से कॉलेज थोड़ा सा एवरेज हो गया। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक प्लीज़ ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और गाइस एक बात और, अगर इस वीडियो में मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन मुझे अपडेट करना पड़ा तो प्लीज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करना, मुझे कुछ कुछ भी अपडेट करना पड़ा मैं वहाँ पे लिख दूंगा, या फिर मुझे कुछ ठीक करना पड़ा यहाँ पे इस वीडियो में, अगर कुछ भूल हो गया तो ठीक करना पड़ा मैं वहाँ पे लिख दूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता गाइस कि आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिले। सो थैंक यू अगेन गाइस फॉर वॉचिंग।